Unbelievable that your favorite actress, yes, the one who is, you know, कह सकते हो कि वो पूरी इंडियन टेलीविजन पे छाए हुए. Yes, your favorite, I'm talking about, that's Ichha and Nidhi. Yes, I'm talking about the famous Teena Dutta. Can we have a clap for her? Come on, everyone. She's right here. Firstly, Teena, thank you so much for being with us here today. We really appreciate your presence. So, besides a leading, you know, Indian television actress, she was also a part of the Bengali film. She was also a part of the Bollywood and Hindi films as well. She was also been nominated with many awards. You can call as ITV Awards for the best actress in the lead role. She was also nominated with Star Guild Awards for the best actress in the drama series. So, here we have a very beautiful and a very gorgeous Teena Dutta right here. Hi, Teena. Good evening. Good evening, everyone. So, Teena, I just saw you. You know, you were having, you were checking out with the new actor one after the other at your favorite store. That's the option, the fashion mall. As today is gonna be a very super exciting evening, as we running out with selfie to star contest only at Fashions, the fashion mall. Thank you. I saw you white card na, you were looking at me, I think Sukriti madam ka yaar to main 10 card thodi kare pehle maine kisi aur nazar se dekha tha, fir main dar gaya, fir main palat gaya, pehla no to matlab mujhe pale nahi lage sharam aise. And I called you also, see you like I saw it, but I was busy. Attention तो सबसे पहले बताइए क्या आज तारीफ करना चाहेंगी अपने बॉक्सर से इस आलोकन से पहले इस ऑप्शंस की. आई थिंक ऑप्शंस लोखनवाला में एक लैंडमार्क है, अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टोर है और जनरली लोगों को जब भी बहुत अच्छे और सोफेस्टिकेटेड क्लासी कपड़े लेने आते हैं विच आर स्टिल इन स्टाइल एंड वेरी फैशनेबल तो वो लोग ऑप्शंस का नाम हमेशा आता है. एज अ फैक्ट कई बार हम सीरियल्स के लिए भी जब हमें इमरजेंसी में कुछ लेना होता है बहुत अच्छा सो यूजुअली वी कम टू ऑप्शंस. सो दिस इज अ वंडरफुल स्टॉप. आज भी ये फंक्शन हो रहा है, इस फंक्शन में आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं? मैं पार्टिसिपेट करी पूरी स्टोर को देख के, खुद भी फैशनेबल बन के एंड हमारी क्लोथ्स जो हैं वो अब की बार ऑप्शंस ही स्पॉन्सर कर रहा है सो मैं एक अच्छा क्लोथ सिलेक्शन करने की कोशिश कर रही हूँ. नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया है, अभी मैं बस आई हूँ और देख रही हूँ. मैं शॉपिंग में ब्लैक बेल्ट हूँ इसीलिए मैं ब्लैक कपड़े पहन के आया हूँ. ब्लैक बेल्ट एट शॉपिंग, मुझे शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है. आई डोंट, मैं किसी लड़की से नहीं मिली जो शॉपिंग अच्छी लगती है, बट मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है. सो आई एम गोइंग टू कम्प्लीटली एंजॉय द स्टॉक. पर्सनली आई वुड लाइक, मेरे को बहुत कवर्ड क्लोथ अच्छे नहीं लगते. सिंपल रीजन इज दैट आई एम अ वेरी स्मॉल फ्रेम और अगर आप हर चीज ढक दें तो फिर इंसान का सिर्फ सिर दिखता है. सो आई हैव अ पेटीट फ्रेम सो आई लाइक स्मॉलर ड्रेसेस, यू नो, घाघरा चोलीज, साड़ीज, आई लाइक दोस काइंड ऑफ थिंग्स. क्योंकि आपके स्टाइल को काफी ऑडियंस पसंद करती है, वो भी हाँ ऐसा कई सीरीज में हुआ है, दिल मिल गए में, प्यार की कहानी में, दैट ऑडियंस, दैट्स अ गुड थिंग ना, मतलब वी मेक स्टाइल स्टेटमेंट सो इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये तो हमेशा ही ऐसे सजा होता है. ये ऐसे सेटअप नहीं किया गया है तो इट्स अ वेरी गुड शॉप ऑब्वियसली. बहुत टाइम से है एंड बहुत टाइम से मैं भी आ रही हूँ. इट्स लवली एंड यू नो इट्स वी आर लकी एक्चुअली कि हमें ये कपड़े पहनने को मिल रहे हैं. किस तरह का वो आपको सबका पता चल जाएगा कि किसको क्या पसंद जिसने है जो कपड़ा चूज किया वो देख लेना आपको पता लग जाएगा. वो हमारी स्टाइल पर्सनल टच के साथ ही हम सिलेक्ट करेंगे तो आप टेंशन मत लीजिए. आज के फंक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली मैं सेम चीज़ आई शेयर द सेम फीलिंग्स.
मैं एक्चुअली बट यहाँ पर पहली बार आ रही हूँ या मैक्सिमम दूसरी बार आ रही हूँ एंड आई एम ग्लैड टू नो यहाँ पे कि देर आर रियली ब्यूटिफुल क्लोथ्स एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कपड़े पहन के हम शूट करें. सॉरी कितनी शॉपिंग है फैशन की? शॉपिंग करने में मजा आता है. हाँ हाँ मैं फैशन की एक्चुअली इतनी शौकीन नहीं, बट मुझे शॉपिंग करनी बहुत अच्छी लगती है. किसको नहीं अच्छा लगता? क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं आप शॉपिंग? बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. मैं एक्चुअली दोनों में कंफर्टेबल हूँ बट मेरी चॉइस और मेरी स्टाइल बहुत ही सिंपलिस्टिक होती है, सिंपल एंड एलिगेंट. सबसे पहले तो आपको जो है टेली कैलेंडर में जगह मिली है, ये टाइम जो है आप जॉर्डन गए थे, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय किया आपने? डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट हो रही है जॉर्डन जाने के लिए. लास्ट टाइम वी हैड शॉट इन मलेशिया तो वो भी बहुत एक्साइटमेंट था, और इस बार हम जॉर्डन में शूट करने जा रहे हैं. सो डेफिनेटली बहुत सारे एक्साइटमेंट है, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लवली शूट. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी है इस कैलेंडर शूट में, सो डेफिनेटली बहुत मस्ती होता है वहाँ पर, बहुत फन होता है. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और क्या कहना चाहेंगे, मतलब थोड़ा टाइम मिलता है पिकनिक मनाने के लिए, तो किस तरह से? डेफिनेटली शूट भी होता है, थोड़ा ब्रेक भी मिलता है, थोड़ा मस्ती भी होता है, फन भी होता है, शूट होता है दोस्ती के साथ, दोस्तों के साथ मज़े भी, मतलब वी कैन स्पेंड टाइम विथ माई विथ योर फ्रेंड्स एंड बहुत फन होता है. इट्स नॉट कि टिपिकल शूट 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 शूट, डेली सोप के हेक्टिक शेड्यूल से थोड़ा टाइम मिल जाता है बाहर जाओ और आउट ऑफ इंडिया जाके दूसरे कंट्री में, वो कंट्री देखने को भी आपको मिलता है, शूट करने को भी मिलता है, मस्ती करने को भी मिलता है, शॉपिंग करने को मिलता है, साइड विजिट होता है, मतलब एक साथ बहुत कुछ होता है. सो डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट होती है. टेली कैलेंडर जो हमेशा से अलग थीम लेके आते हैं, तो इस बार का थीम क्या होने वाला है? मुझे सीरियसली अभी तक नहीं पता, बिकॉज दैट्स रियली अ सस्पेंस एज ऑफ नाउ. अभी मैं बता दूंगी आप लोगों को, तो आप लोगों को मज़ा चला जाएगा इस बार का थीम क्या है. लेकिन इतना मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ, इस बार का जो थीम है वो बहुत रॉकिंग है. अभी मैं वही डिस्कस कर रही थी थोड़ी देर पहले. सो डेफिनेटली यू गाइज विल रियली लव इट. लाइक अभी मैंने जो बताया, मैं आई एम मोर कम्फर्टेबल इन अ वेस्टर्न वे, बट इंडियन सूट्स मी मोर. सो डेफिनेटली आई लुक गुड, मोर प्रोटीन एंड गॉर्जियस इन एन इंडियन साड़ी और एन इंडियन अवतार, बट आई एम मोर कम्फर्टेबल पर्सनली वेयरिंग वेस्टर्न आउटफिट. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. इंडियन और वेस्टर्न दोनों लुक आपको देखने को मिलेगा, और इंडियन भी बहुत ग्लैमरस इंडियन, लाइक नॉट दोज सास बहू डेली सोप्स के जैसे लुक, वैसा नहीं होगा, बहुत अलग हटके ओवर द टॉप ग्लैमरस इंडियन लुक देखने को मिलेगा. सो डेफिनेटली आई होप यू गाइस विल लाइक इट. अच्छा, आपका शो जो है उत्तरन जो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? ऑडियंस को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच. आप लोगों की वजह से आज मेरा शो 6 साल तक चल रहा है. ऐसे ही आपका आशीर्वाद और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखना, ताकि उत्तरन और चले और 2000 एपिसोड कम्प्लीट करें, बिकॉज इट्स अ माइल स्टोन फॉर अ शो. 1000 एपिसोड बहुत कम शो कम्प्लीट कर सकते हैं, एंड वी आर रीचिंग 1500 एपिसोड्स इन द नेक्स्ट मंथ. वी विल बी रीचिंग हिटिंग 1500 एपिसोड्स. सो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है. आप लोगों का अगर साथ नहीं होता तो डेफिनेटली वी वुडंट हैव बीन एबल टू स्ट्राइक अ 1500. वो खुशी बहुत है अंदर, एंड ऐसे ही अपना प्यार बना के रखना. गणपति भी आ रही है, तो क्या कुछ कैसे सेलिब्रेट करते हैं गणपति जी? गणपति पूजा में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं अपने घर पे गन्नू को रखती हूँ, गन्नू आते हैं मेरे घर पे, तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट होती है. पहले से मैं बहुत सारे प्रिपरेशंस लेती हूँ गन्नू को सजाने के लिए, गन्नू कैसे आएंगे, कहाँ पे बैठेंगे, क्या करेंगे, क्या अच्छा उनको खाना लगता है, सब कुछ उनके लिए बनाना, प्रसाद बनाना, पूरा दिन छुट्टी करके गन्नू का पूजा करना, तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है आरती पूजा. मैं पर्सनली बहुत स्पिरिचुअल हूँ, सॉरी मैं पर्सनली बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड 29th का वेट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है. क्या कुछ मन्नत मांगेंगी? दैट्स अ सीक्रेट क्या मन्नत मांगूंगी, क्योंकि मैं अभी मन्नत शेयर कर दिया तो वो पूरा नहीं होगा, तो मन्नत पूरा हो जाने के बाद मैं आप लोगों को बता दूँ. अच्छा, एक गणपति के बीच दे दी है. हैप्पी गणपति टू ऑल, बहुत इंजॉय कीजिए गन्नू, आप सबको बहुत ढेर सारी आशीर्वाद है, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए. थैंक यू.
कुछ तो ऑप्शन में आई हो, कुछ तो सोच के आई हो, कुछ ना कुछ तो डिजाइन खरीदना ही होगा आज तो दिन में बैठे तो क्या सोच के आई हो, क्या खरीद? ऐसा कुछ सोच के नहीं आई हूँ मैं, बस एक्साइटेड हूँ, लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा ऑप्शन कभी शॉपिंग की ऑप्शन? नहीं मैंने नहीं किया, आई एक्चुअली डोंट लाइक गेटिंग आउट ऑफ द हाउस, मैं हॉलीडेज रहता है तो घर पर ही रहती हूँ ज़्यादातर के, तो क्या क्या कहना चाहूँगी आज के फंक्शन के बारे में, किस तरह से पार्टिसिपेट करूँ मैं? आप कुछ बताइए। ऑप्शंस बेसिकली टेली कैलेंडर 2015 जॉर्डन का फैशन पार्टनर है एंड शी इज़ वन ऑफ द फेसेस एंड शी इज़ वन ऑफ द फेसेस मतलब शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट 12 फेसेस ऑफ इंडियन टेलीविजन एंड शी इज़ फीचरिंग इन दैट। सो अब आप इनसे पूछ सकते हो जो कितनी खुशी है, कितनी एक्साइटेड है, वो तो आप देख ही सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड जस्ट वेटिंग टू गो टू जॉर्डन एंड मेरा ये फर्स्ट टाइम फोटोशूट होने वाला है, सो आई एम वेरी हैप्पी। नहीं एक्चुअली मेरे घर पे नहीं आते हैं, बट आई लाइक विजिटिंग माय फ्रेंड्स प्लेस एंड रिलेटिव्स के घर पे जाती हूँ और या मजा करती हूँ एंड गणपति डांस जरूर करती हूँ। हैप्पी गणपति टू ऑल ऑफ यू ऑल एंड मे गणपति ब्लेसेस योर होम एंड गेट्स lot of joy and happiness and yeah, be happy.